गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है दिल्ली स्ट्रीट लाइफ। और आज मैं सुबह सुबह आ गया आप लोगों के लिए कमल मंदिर, जिसे लोटस टेंपल भी बोला जाता है और भाई हाउस भी बोला जाता है। तो मैंने पहले इससे पहले जो वीडियो डाली थी वो इसके आउटसाइड व्यू की थी, और मैंने सोचा चलिए आपको अंदर का व्यू भी दिखा दूँ आज। और जैसा मुझे यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर जब भी आप आते हो तो यहाँ पर खाने की चीज़ अपने साथ मत लेके आना, और आप लोगों को जब भी यहाँ पर आना है तो अपनी खाने की कोई भी आइटम है वो बाहर छोड़नी पड़ेगी या बाहर रखनी पड़ेगी, सिवाय पानी के आपको कोई चीज़ एंट्री नहीं करने देंगे। जैसा कि मुझे यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि ये जो लोटस टेंपल है, भाई हाउस कहा जाता है, इसकी ब्रांचेज और भी कंट्रियों में हैं, और ये एक ऐसा स्थान बना रखा है जिस पर सभी धर्मों का आप अपने उपासना कर सकते हो। अंदर कोई भी किसी भी तरह की मूर्ति या पोस्टर नहीं है, ये लोग को कहना है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर फूल है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और देखिए कमल में। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी मिली, उसमें यह थे कि एक तो इसके लिए ज़मीन जो खरीदी गई थी वो 1953 में खरीदी गई थी, और मंदिर की ज़मीन का क्षेत्रफल जो था 26.6 एकड़ है। ज़मीन से मंदिर की ऊंचाई 34.27 मीटर है। मंदिर में 1300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पगड़ियों की संख्या जो है वो 27 है, और इसको जो बनाया गया था जो इंजीनियर थे उनका नाम था श्री फरीबुज साहबा जी। पंखुड़ियाँ सफ़ेद कंक्रीट से बनी है। पंखुड़ियों के बाहर की तरफ सफ़ेद ग्रीक संगमरमर जुड़े हुए हैं। कुल तालाबों की संख्या 9 है। 9 एक लकी नंबर है इसलिए, और बड़ा भी नंबर है इसलिए 9 रखा गया। मंदिर का व्यास 70 मीटर है। ये 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण शुरू किया गया था और 24 दिसंबर 1986 को इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ, लोगों के लिए शुरू कर दिया गया था। उपासना मंदिर का निर्माण भारत के भाई समुदाय और साथ ही दुनिया भर के भाइयों के मिले स्वैच्छिक योगदान से किया गया था। और ये मंदिर सभी धर्मों के लिए है। यहाँ पर अंदर जाके किसी भी धर्म का व्यक्ति जाकर अपने ईश्वर से या अपने परमात्मा से प्रार्थना कर सकता है। यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, कोई भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है। और चलिए आगे मैं और दिखाता हूँ इसके खूबसूरती के बारे में। देखिए यहाँ से कितना अच्छा सुंदर लग रहा है ये, और अब आगे आप देखिए इसको और चलते हैं फिर आगे की तरफ। देखिए समय समय पर यहाँ पर मेंटेनेंस होती रहती है, पौधों को काटा जा रहा है और ये लोग साफ सफाई रखते हैं, पौधों को छटाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये बैग रखे हुए हैं, इसमें जूते चप्पल रख के अपना हम लोग नीचे दे सकते हैं, जिसका कोई चार्जेज नहीं, फ्री है, क्योंकि जूते चप्पल पहन के आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। ये भाई लोगों द्वारा बनाया गया मंदिर है एक तरह से उपासना का। तो ये रास्ता देखिए वो सामने, ये जूते चप्पल इसमें भर के हम अपनी फैमिली को, और कोई चार्जेज नहीं, फ्री है ये। तो ये सभी लोग इसमें जूते चप्पल डाल रहे हैं लगी पड़ी है, इस लाइन से अंदर जाया जाता है। तो सभी लोग अपने जूते चप्पल इसमें रख के यहाँ जमा कराते हैं, वापसी आते समय यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि मंदिर है तो इसके अंदर जूते चप्पल पहन के किसी भी मंदिर में जाना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जमा करे जाते हैं यहाँ पर। देखिए ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जूते चप्पल जमा किए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम जूते चप्पल जमा करेंगे और यहाँ से टोकन ले लेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है यहाँ पर, ये अच्छी सुविधा कर रखी है।
देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये सामने मंदिर आ गया, और अब चलते हैं हम सामने की तरफ। ये नीचे लाइब्रेरी बना रखी है, यहाँ पर आप चाहो तो पुस्तकें वगैरह पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ अब, और देखिए यहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं। और ये लोग और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताना भूल गया था, एक तो यहाँ पर फ्री एंट्री है, और जो टाइमिंग है वो यहाँ पर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ पर ये टाइम का ध्यान रखें, और मंडे को ही क्लोज रहता है, बाकी सभी दिन खुलता है। और कोशिश करिए कि अपना शाम के टाइम आइए या सुबह, क्योंकि अभी दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ा सा मुझे भी गर्मी मिल रही है, यहाँ पर लग रही है गर्मी, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पार्किंग है वो पेड है, बाहर आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने सोचा आप लोगों को ये भी बता दूँ इसके साथ। इसके अंदर जो भी कोई जाएगा, एक तो ये उपासना मंदिर है, तो आपको फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रखना पड़ेगा या स्विच ऑफ करना पड़ेगा। कोई फ़ोटो नहीं ले सकते इस मंदिर के अंदर। जाने के बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना करके फिर वापस बाहर आ जाएंगे, और अंदर आपको फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। इसलिए मैं भी अंदर का दिखा नहीं पाया, क्योंकि अंदर परमिशन नहीं थी। तो ये बाहर मैं आ चुका हूँ उसके अंदर से, और देखिए ये स्विमिंग पूल टाइप के बना रखे हैं, ये इनकी आस्था के हिसाब से बना रखे पूल वगैरह। साफ सफाई है, बड़ा अच्छा लगता है, अंदर बड़ी शांति मिली और बड़ा सुंदर लगता है। आप जरूर आइए, एक बार जरूर विजिट करिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। फैमिली के साथ आइए, फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, और देखिए कितना सुंदर व्यू है आपका, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बना के लाऊं आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करो, जरूर बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का आपको रिस्पॉन्स दे सकूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह से वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।